पुलिस ने राशन घोटाले में लिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी राशन घोटाले के मुख्य आरोपियों के साथी थे। पकड़े गए आरोपियों में से एक महिला आरोपी भी है। दोनों ही आरोपी दूर के रिश्तेदार हैं। फिलहाल पुलिस आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी, जिसमें भवरकुआ पुलिस ने मुख्य आरोपी भरत दवे और श्याम दवे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अलग अलग थानों में भी पुलिस आरोपियों को पकड़ चुकी है। चंदन नगर के अपराध में आरोपी पन्नालाल जोशी और आशा जोशी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। आज कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट के समक्ष एक आवेदन भी पुलिस द्वारा पेश किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर शहर में 6 थानों में करीब 10 मामले राशन माफिया के खिलाफ पंजीबद्ध किए गए थे। इसी के चलते कल रात्रि में चंदन नगर थाने के अपराध में पन्नालाल जोशी और आशा जोशी, दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद में आज अदालत में पेश किया जा रहा है और पुलिस इनका पुलिस रिमांड लेने के लिए अदालत को आवेदन दे रही है। ये दोनों जो व्यक्ति है, इनमें से पन्नालाल जोशी जो है ये जनता सहकारी संस्था से जुड़े हुए हैं और जो आशा जोशी है ये तबस्सुम सहकारी संस्था है उससे जुड़ी हुई है। ये दोनों ही, इन दोनों की दुकान चंदन नगर क्षेत्र में है। दोनों रिलेशन में क्या है? इन दोनों का दूर से रिलेशन है, एकदम निकट रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों ही जो है जो राशन माफिया का सरगना है श्याम दवे और भरत दवे, ये दोनों ही उनसे जुड़े हुए हैं और पुलिस जो रिमांड ले रही है उसमें इसी बात का पता लगाया जा रहा है कि इन दोनों की संलिप्तता किस तरह की थी और किस तरह से संबंध इनके श्याम दवे और भरत दवे से थे। और भी कोई फरार आरोपी? अभी और भी लोगों की गिरफ्तारियां होगी और पुलिस जल्दी खुलासा करेगी।